ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आपको बेसिकली दो इंस्ट्रूमेंट्स स्टडी करने हैं, एक माइक्रोस्कोप और एक टेलीस्कोप। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले स्टार्ट करेंगे माइक्रोस्कोप के साथ। माइक्रोस्कोप में ये एक लेंस, सिंपल लेंस, इस माइक्रोस्कोप का नाम सिंपल माइक्रोस्कोप या फिर दूसरा नाम मैग्नीफाइंग ग्लास। तो आपने एक लेंस लिया, आपने ये ऑब्जेक्ट लिया, आपने जो ऑब्जेक्ट लेना है वो इस लेंस और फोकस के कहीं बीच में लेना है ताकि वर्चुअल इमेज बने। हमने लेंस का वर्चुअल का केस किया था, तो ये आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, एक रे फोकस में से सेंटर में से मिलेंगी तो इमेज बनेगी, ऐसा ही किया तो वर्चुअल इमेज का डायग्राम आपने कौन बना सी दिया। शेड है? ये एनसीईआरटी की बुकलेट है, सर पेज नंबर। 63। थैंक यू। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, राइट। जब भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का कोई क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर में आएगा, अब वो कहेगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सिंपल माइक्रोस्कोप को डिस्कस करो। आपने सिर्फ डायग्राम नहीं बनाना, उसकी मैग्नीफाइंग पावर साथ में डिस्कस करनी है, तो आपने मैग्नीफाइंग पावर भी डिस्कस करनी है, राइट। तो पूछे या ना पूछे, तो अगर 3 नंबर में आ रहा है, मैग्नीफाइंग पावर डिस्कस करनी है, वो क्या होती है बताता हूँ। ये आपका ऑब्जेक्ट है, आपने क्या किया, मैग्नीफाइंग पावर होती क्या है? मैग्नीफाइंग पावर होती है सेंटर के ऊपर इमेज ने जो एंगल बनाया, ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया, इमेज का एंगल अपॉन ऑब्जेक्ट का एंगल इज नोन एज मैग्नीफाइंग पावर। यानी कि इमेज का एंगल होता है बीटा, ऑब्जेक्ट का एंगल होता है एल्फा, तो मैग्नीफाइंग पावर होती है बीटा डिवाइडेड बाय एल्फा, इसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। तो इसके अंदर हमें काम करते हैं, जो इमेज है, इमेज ने एंगल क्या बनाया सेंटर के ऊपर, बीटा बीटा, और जो ऑब्जेक्ट है वो ये रहा। एक काम करते हैं, इस ऑब्जेक्ट के साइज की कटिंग यहां कर लेते हैं ताकि इमेज और ऑब्जेक्ट एक ही हाइट पर आ जाएं, ताकि मैं बता सकूं कि इमेज का एंगल है बीटा और ऑब्जेक्ट का एंगल है एल्फा। तो इसमें ये इमेज है, इमेज ने एंगल बनाया यहां पर बीटा, और ऑब्जेक्ट के साइज यहां कट कर लिया, जितना ये ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ये साइज है, इसने क्या एंगल बनाया यहां पर एल्फा, तो मैग्नीफाइंग पावर है बीटा बाय एल्फा या टैन बीटा बाय टैन एल्फा, बिकॉज एंगल छोटे होते हैं तो बीटा और एल्फा को लिखा जा सकता है टैन बीटा और टैन एल्फा। इसके अंदर ऑब्जेक्ट ये रहा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय यू, फोकल लेंथ इज एफ, और इमेज वहां बनेगी जहां एक नॉर्मल बंदा देख सके और जहां इमेज उसकी रेटिना पे बन सके, और उस डिस्टेंस को या तो वी बोलते हैं या बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जैसे जिसकी ऐनक नहीं लगी हुई उसके लिए डी क्या होगा, 25 सेंटीमीटर, ताकि वो 25 सेंटीमीटर पे इस इमेज को देखे, उसके रेटिना पे सही इमेज बनेगी, राइट। पर जिसकी डिफेक्टिव आई है, तो डिफेक्टिव आई के केस में हो सकता है न्यूमेरिकल में ये 75 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर भी हो सकता है, वो बोलेगा कि इसमें डिफेक्टिव आई है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, डायग्राम बन जाएगा इसका। तो मैग्नीफाइंग पावर में आपने क्या करना है, मैग्नीफाइंग पावर में बीटा बाय एल्फा, तो एंगल छोटे हैं, टैन बीटा बाय टैन एल्फा। टैन बीटा में क्या लेंगे, इसमें टैन बीटा लेंगे ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, और टैन एल्फा लेंगे ए डैश क्यू डिवाइडेड बाई ए डैश सी। टैन बीटा लेंगे ए बी बाई ए सी, टैन एल्फा ए डैश क्यू बाई ए डैश सी, ये रहा टैन बीटा टैन एल्फा। ए डैश क्यू किसके इक्वल है, ए बी, तो आप ए डैश क्यू की जगह क्या पुट करेंगे, ए बी, तो आपके पास टैन बीटा आ गया, टैन एल्फा आ गया, दोनों में ए बी आ गया, दोनों को डिवाइड कर लें, डिवाइड करेंगे तो ए बी से ए बी कैंसिल, तो मैग्नीफाइंग पावर आ गई ए डैश सी बाई ए सी। अब ए डैश सी क्या है, ए डैश सी क्या है, दिस इज इक्वल टू माइनस वी, क्योंकि ये इमेज है माइनस वी, ए सी क्या है माइनस यू, तो माइनस वी बाई माइनस यू, ये आपके पास क्या आ गई इसकी मैग्नीफाइंग पावर। यहां तक नहीं रुकना, अब इस लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाना है, 1/v माइनस 1/u 1/f, v से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड्स को, v बाई यू हमने क्या निकाला मैग्नीफाइंग पावर m, तो v बाई यू की जगह क्या पुट करेंगे m, तो m की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस v बाई f। ठीक है यहां तक, 1 माइनस v बाई f। अब v जो बनेगा वो न्यूमेरिकल में गिवन होगा 25 सेंटीमीटर पे, 50 सेंटीमीटर पे, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कैपिटल डी आपको गिवन होगा, तो आप इसमें v की जगह पुट कर सकते हैं माइनस d, d स्मॉल d या कैपिटल d एक ही बात है, तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा -25 सेंटीमीटर, जो भी होगा आप वो पुट कर लेना। तो जब आप यहां पर माइनस डी पुट करेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर का इस फॉर्मूले को बॉक्स में डाल लें, तो आप, लेकिन जब न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल में डी गिवन होगा 25 सेंटीमीटर, तो यहां पर आप -25 ही पुट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर आपने माइनस साइन यूज कर दिया, आप सिंपली 25 ही पुट करेंगे।
तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये मैग्नीफाइंग पावर आपने प्रूव करके आनी है जब ये सिंपल माइक्रोस्कोप आएगा। कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन क्लियर है सर? बोलो। सर एक बार वो लास्ट पॉइंट रिपीट कर दो, 25 सेंटीमीटर वाला। मैंने ये बताया कि यहाँ पर v की जगह आपको न्यूमेरिकल में जैसे d गिवन होगा, d इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, जो इमेज बन रही है वो नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर पे बन रही है, तो आपको ये गिवन होगा क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में दिखाऊंगा मैं आपको। तो इसमें इमेज का डिस्टेंस अगर d सेंटीमीटर है तो v को पुट करेंगे माइनस d, तो जब आप यहाँ पर माइनस d पुट करेंगे तो ये टर्म आएगी। तो मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी v को माइनस d पुट कर चुके हैं, और जब न्यूमेरिकल आएगा तो d की वैल्यू 25 गिवन होगी, तो आप यहाँ पर d को 25 ही पुट करना, माइनस साइन मत पुट करना, क्योंकि ऑलरेडी आपने माइनस साइन यूज किया हुआ है। न्यूमेरिकल कैसे करना है यार वो मैं आपको बताऊंगा, अभी आप सिर्फ इसकी डेरिवेशन कर लो, जैसी डेरिवेशन है वैसे कर लो। न्यूमेरिकल आज के लेक्चर में करके दिखाऊंगा कि कैसे इसमें यूज करना है, ठीक है? यहाँ तक प्रूफ क्लियर है? तो इसका फॉर्मूला है, ये है सिंपल माइक्रोस्कोप। इसके बाद क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसमें दो लेंस यूज होते हैं। रूल नंबर वन, आंख के पास पड़ा हुआ लेंस को आई लेंस बोलते हैं या आई पीस बोलते हैं, आई पीस या आई लेंस। ऑब्जेक्ट के पास पड़े हुए लेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट लेंस, ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट लेंस। रूल नंबर टू, जो आंख के पास पड़ा हुआ लेंस है उसका अपर्चर बड़ा है वो बड़े साइज का होगा, ऑब्जेक्ट के पास पड़ा हुआ लेंस छोटे साइज का होगा। क्लियर है यहां तक? ये बड़े साइज का और ये छोटे साइज का, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाना है, इस ऑब्जेक्ट को आपने इस लेंस और फोकस, फोकस के लेफ्ट पे रखना है, क्योंकि अगर आप फोकस के राइट पे रखोगे तो वर्चुअल इमेज बन जाएगी, आप चाहते हैं इसमें रियल इमेज बने। आप फोकस के लेफ्ट पे रखें, एक रे सीधा एक सेंटर में से, तो ये इसकी इमेज बनेगी। तो इस लेंस का नाम है ऑब्जेक्टिव, तो ये जो डिस्टेंस है ये वाला, इसको बोलते हैं यू ऑब्जेक्टिव, यू ओ, यू नॉट या यू ओ। और जो इमेज बनेगी यहां पर इसका नाम है वी ओ, क्योंकि ये इसने बनाई, ऑब्जेक्टिव ने बनाई, यू ओ वी ओ। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? ठीक। नेक्स्ट, इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट होगा, इस लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है इसकी फोकल लेंथ एफ ई है, आई पीस को एफ ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी फोकल लेंथ एफ ई है। तो ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा इस लेंस के लिए, ये इसकी सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में बनेगा ताकि इसकी वर्चुअल इमेज बने। तो एक रे सीधी यहां पर और यहां पर जो मिलेगी तो क्या बनेगी? वर्चुअल इमेज, राइट? तो एक रे सीधी जाएगी, एक फोकस में से पास करेगी और ये इसकी वर्चुअल इमेज बनेगी। तो इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है। तो इस लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है उसकी दूरी को क्या लिखते हैं? यू ई। यू ई का मतलब आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट है, यू ई, ई फॉर आई पीस। और ये डिस्टेंस क्या होगा? ये वाला वी ई। VE का मतलब है इमेज, आई पीस की इमेज। वो अलग बात है कि इसको हम कहाँ बनाना पसंद करते हैं, जहाँ हमारी आँख देखना पसंद करती है, दैट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जहाँ हमारी आँख अपना इसकी इमेज रेटिना पे बना सके, ठीक। तो इसमें काम करना है, जितना ये साइज है उतना ये साइज कट कर लेना है। रीजन, क्योंकि ये फाइनल इमेज है, फाइनल इमेज ने एंगल क्या बनाया यहाँ पर? बीटा। तो ऑब्जेक्ट ने क्या एंगल बनाया यहाँ पर? एल्फा, बीटा एल्फा। प्लीज इस डायग्राम को बना के देखें। डायग्राम बनाने की स्ट्रैटेजी ऐसे नहीं रहेगी, डायग्राम ऐसे बनाना है, पहले एक लेंस, दूसरा लेंस, आप पहले डिसाइड कर लें कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरी इमेज है सीधी। तो एक रे यहां ऐसे, एक ऐसे, फिर डिसाइड कर लें कि ये मेरी क्या बनेगी? फाइनल इमेज। फिर बनाए रे डायग्राम, बनाए, मतलब सीधा ना बनाए कि पहले मैं रे खींचूंगा फिर ऑब्जेक्ट या इमेज बनेगी, पहले ऑब्जेक्ट ये और ये फिक्स कर लें फिर बनाएं। ट्राई करें प्लीज इसे।
इसके अंदर इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। डायग्राम नहीं बनाएंगे इसका, एक रे सीधी जाएगी फोकस में से, एक सेंटर में से ये मिलेंगी, ये इमेज है। ठीक है, अब देखो इसमें ना ये सारा याद रखना है आपने। पहला पॉइंट ये याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव के लिए ये जो डिस्टेंस है इसको क्या लेंगे, यू नॉट। ठीक है, ये अपनी इमेज कहां बनाएगा, यहां बनाएगा, तो ये डिस्टेंस को क्या लेंगे, वी नॉट, यू नॉट, वी नॉट। नेक्स्ट है आई पीस के लिए ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, यू ई। उसके बाद क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है इस लेंस से लेके यहां तक ये क्या होगा, एफ ई। और इस लेंस से फाइनल इमेज यहां पर है तो ये डिस्टेंस या तो वी ई होगा या फिर डी होगा, एक ही बात है। ठीक है यहां तक। अब हम क्या करेंगे, जब ये पेपर में आएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाना, तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी मैग्नीफाइंग पावर सात करेंगे एक्सप्लेन। मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, मैग्नीफाइंग पावर है बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। तो बीटा या टैन बीटा एक ही बात है, अल्फा टैन अल्फा एक ही बात है, तो टैन बीटा बाय टैन अल्फा। टैन बीटा निकालते हैं, चलो टैन बीटा इज इक्वल टू, ध्यान से इधर देखो, टैन बीटा विल बी इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाय ए डबल डैश सी डैश। तो यहां पर जो टैन बीटा लेंगे, टैन ऑफ बीटा विल बी इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाय ए डबल डैश सी डैश। और टैन अल्फा क्या होगा, ए डबल डैश क्यू डिवाइडेड बाय ए डबल डैश सी डैश। ठीक हो गया, दो ट्राइंगल लेंगे। अब जब ए डबल डैश क्यू लेंगे, इसकी जगह क्या रिप्लेस करेंगे, ए भी एक ही बात है, तो ये मैंने लिख लिया टैन बीटा, ये मैंने लिख लिया टैन अल्फा, टैन अल्फा में ए डबल डैश क्यू की जगह ए बी, तो मेरे पास आ गया टैन बीटा जिसमें ए डबल डैश बी डबल डैश है, जिसमें ए डबल डैश सी डैश है, टैन अल्फा जिसमें ए डबल डैश सी डैश है, दोनों को डिवाइड कर लिया तो ए डबल डैश सी डैश क्या हो गया, कैंसल, और आपके पास सिर्फ ये बच गया। क्या स्टेप क्लियर है, टैन बीटा टैन अल्फा को डिवाइड किया, आपके पास ये बच गया। अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश से, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो यहां पर आ गया ए डैश बी डैश और यहां पर भी आ गया ए डैश बी डैश, बाकी एवरीथिंग इज सेम। तो ए डैश बी डैश इसके नीचे, ए डैश बी डैश इसके ऊपर। अब इसका फायदा क्या हुआ, ए डबल डैश बी डबल डैश बाय ए डैश बी डैश क्या है, ए डबल डैश बी डबल डैश बाय ए डैश बी डैश क्या है, इस लेंस के लिए इमेज का साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का साइज, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस, क्योंकि आईपीस के लिए इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज है। और ए डैश बी डैश बाय ए बी क्या है, ए डैश बी डैश बाय ए बी क्या है, इस लेंस के लिए ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है, तो क्या आएगा, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो यानी कि टोटल मैग्नीफाइंग पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की किसके इक्वल है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक, तो ये आपने याद रखना है यहां पर, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव, क्लियर है। इसके बाद ये खत्म नहीं हुआ, अभी आगे भी मॉडिफाई है। अब क्या करना है आपने इसमें, इसके अंदर आप ये बताएं कि अगर आपके पास सिर्फ एक लेंस होता, राइट, तो अगर आपके पास सिर्फ एक लेंस होता, ये लेंस होता आईपीस, ये ना होता, तो उस केस में अगर ये आईपीस होता तो उस केस में ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप था, अगर ये आईपीस होता तो एक सिंपल माइक्रोस्कोप था, और सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर अभी हमने निकाली एम ई, आईपीस का मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप है, वन प्लस डी बाई एफ ई, अभी पिछला जो एक्सप्रेशन हमने किया था वो यही था, वन प्लस डी बाई एफ ई। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो ये फॉर्मूला एम ई आ गया। और अगर मैं बात करता हूं ऑब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव के लिए मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, दिस डिस्टेंस वी ओ डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस माइनस यू ओ, तो क्या बनेगा, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज वी ओ डिवाइडेड बाय माइनस यू ओ। क्या स्टेप क्लियर है। अब टोटल मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, एम इज इक्वल टू एम ओ इंटू एम ई, यही किया था हमने, एम ओ हमारे पास है, एम ई हमारे पास है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया, करेक्शन कर लेना, ये एम है, एम नॉट नहीं है,
तो आपके पास टोटल मैग्नीफाइंग पावर क्या आ गई, वी नॉट बाई माइनस यू नॉट इंटू वन प्लस डी बाई एफ ई. क्या ये स्टेप क्लियर है? तो मैग्नीफाइंग पावर एम ई अलग निकाल लिया, एम ओ अलग निकाल लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गई आपकी मैग्नीफाइंग पावर. ठीक है यहाँ तक? और अगर मैग्नीट्यूड लगाना है तो मॉड लगा दो. मैग्नीट्यूड का मतलब है कि साइन कन्वेंशन न्यूमेरिकल में पुट करेंगे इसमें. ठीक, तो क्या ये फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा? ठीक है यहाँ तक? तो ये फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा. ऑनलाइन क्लियर है सर? बोलो सर, इसमें जो यू नॉट लेंगे, वैल्यू लेंगे जब, तो नेगेटिव ही लेंगे. मैं आपको न्यूमेरिकल में करके दिखाऊंगा, अभी उसकी कोई टेंशन मत लो. ठीक है, कैसे यूज करना मैं करके दिखाऊंगा, आप उसकी टेंशन मत लो. न्यूमेरिकल आप डेरिवेशन कर लोगे, ये वाली ड्राइव करना. ठीक है ना, ये फॉर्मूला तक तो आ गया ना? यस सर. बस कोई बात नहीं, मैं न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा कैसे साइन कन्वेंशन यूज करनी है, सब दिखाऊंगा. अभी देखो, एक इसमें स्पेशल केस है, सुन लो. एक स्पेशल केस है, अगर यू नॉट, ये ध्यान से, स्पेशल केस है कि अगर ये यू नॉट फोकल लेंथ के पास है, अगर ऑब्जेक्ट आपका एफ नॉट के पास है. कभी कभी क्या होता है, यू नॉट गिवन नहीं होता और वो कहता है यू नॉट एफ नॉट के पास है, तो आप अप्रोक्सीमेटली यू नॉट को क्या रिप्लेस करेंगे, एफ नॉट. तो ऐसे केस में जो इमेज बनती है वी नॉट, वो काफ़ी दूर जाके बनती है, इसकी यहाँ पर जाके बनती है लेंस के पास, और ऑब्जेक्ट और आईपीस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं एल. ऑब्जेक्ट और आईपीस के लेंस के बीच में डिस्टेंस को एल बोलते हैं. तो जब ये इमेज यहाँ कहीं बनती है तो इसके लिए इमेज एल पे जाके बनती है, तो वी नॉट की जगह अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाता है, एल. तो आप ऊपर वाले फॉर्मूले में वी नॉट की जगह एल पुट करें और यू नॉट की जगह एफ नॉट पुट करें, तो ये भी मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आएगा. कभी कभी हम ये भी यूज़ करेंगे. ये कब यूज़ करेंगे मैं न्यूमेरिकल में आपको करके दिखाऊंगा इसको कब यूज़ करना है. बट पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, मैग्नीफाइंग पावर को कैसे यूज़ करना है? आप सिर्फ फॉर्मूला नोट कर लो, मैं न्यूमेरिकल्स में कैसे साइन कन्वेंशन लगाने हैं उसमें सारा आपको करके दिखाऊंगा. ठीक, तो फॉर्मूला नोट कर लो. मैग्नीफाइंग पावर का एक ये फॉर्मूला, मैग्नीफाइंग पावर का दूसरा ये फॉर्मूला, ये स्पेशल केस है किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का. और इस केस में जो इमेज बनी वो कहाँ पर बनी, यहाँ ना आई बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिख दो ई वाई ई आई, बस आँख बनाने की, जो आँख के कोई नंबर नहीं है, बस लिख दो ई वाई आई. ठीक है, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो यहाँ बन रही है और ये डिस्टेंस फाइनाइट डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे. अब दूसरा केस क्या आएगा, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट इन्फिनिटी, ऐसा केस भी आ जाता है. आपकी बुकलेट एनसीईआरटी में नहीं है, ये केस मैंने आपकी हैंड रिटन शीट में डाल रखा है. ठीक है, तो उसमें आपको नोट करने की जरूरत नहीं, उसमें से मार्क करवा दूंगा मैं आपको. तो व्हेन इमेज इज फॉर्मड एट इन्फिनिटी, सेम केस है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है. ये आपने ऑब्जेक्ट रखा, ध्यान आगे, ये आपने ऑब्जेक्ट रखा, आपने इमेज कहाँ पर बनाई, यहाँ का इमेज बना दी. अब आप ये चाहते हैं कि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बने, तो इस लेंस के लिए ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये क्या होगा, इसकी फोकल लेंथ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे होता है तभी इमेज कहाँ पर बनती है, एट इन्फिनिटी. बस ये फर्क है, उसमें फोकल लेंथ पे नहीं था, उसमें यू ई पे था, इसमें एफ ई पे है. तो क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है? तो इस केस में आपने ऑब्जेक्ट को लिया, इसकी रियल इमेज बनाई, इसकी रियल इमेज जो है वो इसकी फोकल लेंथ पे बनेगी, ताकि जब ये इसकी फोकल लेंथ पे ऑब्जेक्ट पड़ा होगा तो इमेज विल बी फॉर्मड एट इन्फिनिटी. इसको प्लीज ड्रॉ करके देख लें रफ कॉपी में एक बार.
जो आप ये डायग्राम बनाएंगे, इसकी मैग्नीफाइंग पावर भी बनानी है। जो मैग्नीफाइंग पावर होती है उसमें हम क्या करते हैं, देखो मैग्नीफाइंग पावर के अंदर जो ऑब्जेक्टिव है, राइट, वैसे एक आपको शॉर्टकट बता देता हूँ मैं। जब भी कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आएगा उसमें दो केस आएंगे, व्हेन इमेज इज फॉर्म डैट फाइनाइट डिस्टेंस, और दूसरा व्हेन इमेज इज फॉर्म डैट इन्फिनिटी। अगर फाइनाइट डिस्टेंस में फॉर्मूला ऐसा आता है तो इन फाइनाइट डिस्टेंस पे वन प्लस हट जाता है, वन प्लस जो बचा बस वो आंसर है। ये देखो, तो इन फाइनाइट डिस्टेंस पे ये रहा फॉर्मूला। सबसे बेस्ट तरीका याद करने का, वन प्लस हटा दो इनफाइनाइट का डिस्टेंस आ जाएगा, तो करना ही कुछ नहीं है। तो उल्टी डेरिवेशन हो गई, आपने फाइनाइट का फॉर्मूला याद किया हुआ है, इनफाइनाइट की मैग्नीफिकेशन लिख दो, इसमें पहली मैग्नीफिकेशन एम ओ होगी और दूसरी मैग्नीफिकेशन इसमें एम ई होगी, बस दो लाइन लिखनी है, काम खत्म, इसे कुछ करना ही नहीं है, ठीक है यहाँ तक। तो आपने इसमें से फॉर्मूला लिखना है, वैसे आने का चार्ज कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ज़्यादा है, उसमें पूरी डेरिवेशन है, इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला ही लिखना है आपने। और फॉर्मूला भी याद करने का तरीका बता दिया, ऊपर जो फाइनाइट डिस्टेंस है उसमें वन प्लस हटा दो, जो बचा आंसर आ गया, डन, ठीक है यहाँ तक।